बरगढ़ समवाय चीनी कारखाना रे झुलुची ताला। चीनी कारखाना को राज्य सरकार अनुदान प्रदान बंद करिबारु एभली परिस्थिति सृष्टि होईची, जहाँ कुने चिंतारे पश्चिम ओडिसार 7000 आखु चासी। 22 मास हेला दरमा बंद, कर्मचारी को दरमा प्रदान दाबी रे चालीची कार्य बंद आंदोलन, हेले दुख सुनु नाहंती प्रशासन की सरकार। बरगड़ समवाय चीनी कारखाना यहाँ पर पश्चिम ओडिशा समेत पड़ोसी छत्तीसगढ़ हजार हजार चाषी निर्भरशील। एकदा ही बृहत कृषि भित्तिक प्रकल्पर प्राय 1.5 लाख मेट्रिक टन आखुरु चीनी उत्पादन करा हेले गत 2016-17 वर्षरु चीनी कारखाना को राज्य सरकार अनुदान प्रदान बंद करदे, फल बृहत प्रकल्प बंद होगा अनिश्चितता घेर गति कर। आम पश्चिम ओडिशार एकमात्र तमें मिल बरगढ़ समवाय चीनी कारखाना केन्ता भी चलवा तार विहित व्यवस्था करा जाओ आज्ञा, और आम बरगढ़ कर्मचारी संघ अच्छा आज्ञा से छुआ फुटा रोजीरोटी चल चलावे से व्यवस्था करा जाओ आज्ञा, ना आज्ञा आम कलेक्टर अफिस् घेर करमु और राज रास्ता के आम जाइकर आज्ञा आम आंदोलन के जारी रखमु। कारण हो फैक्ट्री आम तो किसी नहीं जानवर से सरकार दौजे किना दौजे फैक्ट्री एतकी टाइम चलसे सब डिसेम्बर फास्ट के सेटा ना हेबार आर मार्च मस चलाना आम कृषि जय जालमु आर बीज खामु। जदि आम दाबी पूरण ना आम समस्त परिवार नहीं राज रास्ता बसमु दाबी पूरण ना होबार तक आउ आगामी निर्वाचन आसे निर्वाचन के आम देखि आम सब पूरा भोट बर्जन करमु। बंद कारखानार पुनरुद्धार करने राज्य सरकार 27,60,00,000 टंकार व्यवराद कर 22 मास हेला कर्मचारी को दरमा बंद कर गत 15 दिन धरी बरगड़ समवाय चीनी कारखाना कर्मचारी संघ पक्षर आंदोलन जारी रही। सेपटे आवश्यक आखु चाष उत्पादन हो कारखाना बंद रही बेले कर्मचारी को दरमा प्रदान पर राज्य सरकार आलोचना चली बरगड़ एडीएम कहते आज पर्यंत से पैसा पाई से यार जो विधिज्ञ विहित पदक्षेप जो सरकार न ने तार प्रति आम निश्चित भाव कार्यानुष्ठान करमु आम राज रास्ता को ओह्लैमु दरकार पड़े आसंता आसुवा 2019 भोट बर्जन करने प्रस्तुत अच्छु। ए वर्ष तो आउ क्रसिंग है टाइप रगू ना कहीं आखु चाषा जितकी हवा कथा तार मिनिमम जो रिक्वयरमेंट आ आखु चाष जेहतु है ये वर्ष क्रसिंग है लगू नहीं ए वर्ष गोटे एक्शन प्लां कले आसंता वर्ष जमी आखु चाष हो पार से हिसाब से गोटे एक्शन प्लां कर सरकार को दि जा तुरंत आखु कारखाना को चालू करने कर्मचारी को दरमा प्रदान नकले कर्मचारी माने राजरास्ता को ओह्लैवा को चेतावनी देखते। बरगड़ रंजन कुमार देवता न्यूज 18 ओडिया। हाल को ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स रे चैंपियन होती अंशु कुमार भूया, से महिला सिंगल्स चैंपियन होती भार्गवी नटी बर्गरे चैंपियन रनर्स अप सह क्वार्टर फाइनाल खेली प्रतियोगी को सम्मानित कर नालको सीएमडी मुख्य अतिथि भाव जोगदे पुरस्कार प्रदान कर ट्रफी सह 2,15,000 टंकार पुरस्कार राशि प्रदान करा। खोर्धा जिला टेनिस संघ पक्ष आयोजित टूर्नामेंटे प्रायोजक नालको आगामी 5 वर्ष जाए प्रायोजक साजिब बोली सीएमडी तपन कुमार चांद कहते आसंता वर्ष ठार् पुरस्कार राशि वृद्धि भी कर। टेनिस रो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओडिशा रो एटा फेस भाया काम करुच्छे तो निश्चित भाव नालको कंटिन्यू कर तार सपोर्ट मैंने निष्पत्ति रही नालको एटा को आउ 5 वर्ष सपोर्ट कर 7 लाख रु आम एटा को बर्तमान स्पन्सरशिप 10 लाख करुच्छे जहाद्वारा कि प्राइज मनी टा डबल हो पार। कबीर तो नुआ आसे तो मैंने ITF रे भल परफॉर्म कर इंटरनेशनल तो भल मैच थी मैंने वन ऑफ द बेस्ट मैंने फाइनल प्लेड बेनिफिशियल कहीं नालको वाज दि फर्स्ट टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम कहते ओडिशा वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट सब प्लेयर आसती खेल तो गोटे मैंने मजा आसे कि खेलने सब नुआ नुआ प्लेयर देखा U12 रे विनर होती और मतलब बहुत खुशी लगुच कि मो विनर होती डिफरेंट टाइप्स आमको प्लेयर मिलते ना से प्राक्ट होती भल कि कौ प्लेयर सागर आम कमी खेलू हाँ किसी नुआ भी शिखा मिले आमको आम मिस्टेक्स भी जाना मिले बुलेटिन को ये रखुच अधिक खबर देखने लगअन करूँ news18odia.com।